अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मान आपका एम के डी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास ख़बरों पर। इस खबरनामे को पेश करता है मेंस अफेयर्स मेंस वेयर एबर्ट्स एमपीएम मॉल बिसाइड बिग बाज़ार, जहाँ पर ब्रांडेड जीन्स टी शर्ट जैकेट दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम हफ्सा तनवीर है, मैं हैदराबाद से तालाब कट्टे से हूँ, मैं मस्कत उमान में हूँ। जनवरी 30 तारीख को मेरे को एक साल होता है यहाँ पे आके। मैं दुरेशवार दवाखाने में काम करती थी, तो एक वहाँ पे नंबर लिखे हुआ था एजेंट का, एजेंट तालाब कट्टे में रहता, वो मेरे को बोला अच्छी जगह भेजता हूँ, मैं तुम्हारे को 30,000 तनख्वाह दिलाता हूँ, छोटी फैमिली में भेजता हूँ, डायरेक्ट भिजाता हूँ बोल के मेरे को मान मस्कत को भिजा के उन्होंने मेरे को ऑफिस में भिजा दिए। उसके बाद मैं ऑफिस में भिजाए, बाद में मैं वहाँ से एक घर को काम को गई, फिर मैंने काम करी वहाँ पर। वो घर अच्छा नहीं था, खाने को नहीं देते थे, 18 घंटे काम लेते थे, सोने को नहीं देते थे। फिर उनका भाई मैडम ऑफिस घर वालों का भाई अच्छा नहीं था, उन्हें हाथ पकड़ ले रहा था इधर से उधर से आके। तो मैं बोली मेरे को ऑफिस को छोड़ दो, बोल तो छोड़ दिए, मैं ऑफिस को चले गई। फिर ऑफिस में 2 महीने बैठी, उसके बाद में मैं दूसरे घर में काम पे भिजाओ, बोल तो भी नहीं भिजाए मेरे को। फिर बोलते मेरे को बोले 2 लाख रुपए दियो, बोले इंडिया को भेजो, बोल तो इंडिया को भी नहीं भेज रहे, खाना नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे वहाँ पे बोल के। मैं वहाँ से भाग के आई, आके वहाँ पे एमबीसी ऑफिस को गई, मैं एमबीसी ऑफिस में जाके शिकायत करी, तो वहाँ पे बोले कि टाइम लगता तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हुए तक टाइम लगता तुम्हारे को, हम फ़ोन करके बुलाते बोल के भिजा दिए। एमबीसी सेंटर में भी नहीं रखे हमारे को, मैं 3 महीने से यहाँ पे झाड़ों में सो रही हूँ एमबीसी के पीछे गार्डन में, ओढ़ने नहीं है बिछाने नहीं है मेरे को। अमजदुल्ला खान साहब आप मदद करो, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ अमजदुल्ला खान साहब, खाने को नहीं टाइम पे कुछ भी नहीं, एक टाइम भी खाना नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हूँ मैं, आपकी मदद चाहिए मेरे को यहाँ से निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ अमजदुल्ला खान साहब आपसे गुजारिश है मेरी कि मेरे को इंडिया को बुला लो। यहाँ पे एमबीसी सेंटर में भी नहीं रख लिए, झाड़ों में सो रही मैं, ओढ़ने नहीं है बिछाने नहीं है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अंदर रख ले रहे भी नहीं, खाने को नहीं एक टाइम भी खाना सही नहीं है, भूखे प्यासे सारा सारा दिन यहाँ वहाँ फिर रहे, रात में आके झाड़ों में सो जा रहे। अमजदुल्ला खान साहब प्लीज़ आप मेरी मदद करिए, प्लीज़ अमजदुल्ला खान साहब मेरे को इंडिया को बुला लीजिए, आपसे गुजारिश है मेरी।